नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका ट्रेड द ट्रेंड चैनल में। दोस्तों, 2 मिनट की वीडियो में देखेंगे कि यस बैंक आपको अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या घंटे खतरे की घंटी क्या बज रही है यस बैंक के चार्ट में। मात्र 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ यस बैंक का चार्ट। टाइम फ्रेम दोस्तों 1 दिन का लिया है मैंने, एक कैंडल जो है 1 दिन को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो रेड लाइन जो है वो 50 मूविंग एवरेज है और येलो लाइन जो आपको दिख रही है वो 20 EMA है। ये जो सपोर्ट जोन मैंने बनाया है ये लास्ट सपोर्ट जोन है दोस्तों। इसके नीचे जो है फिर प्राइस डिस्कवरी होगी। प्राइस डिस्कवरी मींस लोएस्ट प्राइस जो है उसको फाइंड करेगा यस बैंक इसके नीचे, 12 के नीचे। अभी मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, अगर आप अभी ख़रीदना चाहते हैं यस बैंक तो ये शायद सही समय नहीं है यस बैंक ख़रीदने के लिए। क्योंकि दोस्तों एक ट्रेडिंग में एक कहावत है कि डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। ठीक है, अगर कोई चार्ट नीचे जा रहा है, डाउन साइड में है, तो उसको कैच करने की, बॉटम को कैच करने की कोशिश मत कीजिए, उसमें एंटर कीजिए जब वो अपने ट्रेंड को चेंज कर लेता है। अब यहाँ पे ट्रेंड कब चेंज होगा, देखिए यहाँ से मुझे ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट के नीचे मुझे ये सीधा 12 पे आता दिख रहा है यस बैंक। और कमाल की बात है कि 20 मूविंग एवरेज को भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, 20 मूविंग एवरेज को भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर फिर 50 मूविंग एवरेज है। दोस्तों जब ये सेटल हो जाएगा 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, 50 EMA के ऊपर जब ये सेटल हो जाएगा, यानी कि अगर थोड़ा सा ये यहाँ से इस तरीके से चलता है, थोड़ा सा इस तरफ अगर ये मूव करता है, तो अगर ये सेटल हो जाता है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आप सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। फिलहाल चार्ट का जो ट्रेंड है, चार्ट की जो पोजीशन है, ये फिलहाल बियरिश ही है। और यहाँ से मुझे ये रिजेक्ट होके 12 पे जाता दिख रहा है। अगर 12 से भी दोस्तों ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर भगवान ही मालिक है कि क्या होगा इस बैंक का। फिलहाल अभी सिचुएशन आपके लिए, अगर नए बायर हैं तो आपके लिए सिचुएशन एंटर करने के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर एंटर नहीं करना है। जब चार्ट बुलिश हो जाएगा 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, एटलीस्ट सेटल हो जाएगा, जब आप सोच सकते हैं इसको बाय करने की। ये दोस्तों यस बैंक की थोड़ी सी डिटेल थी मेरी तरफ से। अभी के लिए थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, चार्ट फिलहाल अच्छा नहीं है और नीचे जाता और मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों इसी तरह के चार्ट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्रेड दी ट्रेंड 99 ट्विटर पे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि एकदम फ्री है, कोई फीस नहीं है इसकी, आपको सिर्फ रेफरल अकाउंट ओपन करना है अपस्टॉक्स में या जीरोधा में। इसमें आपको एक क्वार्टरली ट्रेनिंग भी दी जाती है और लाइव मार्केट में आपको चार्ट्स देखने को मिलते हैं। आज भी देखिए 100 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कैच किए हैं एलकेम लैब्स में। यहाँ पर 100 पॉइंट देखिए ग्रीन पॉइंट पर मैंने सजेस्ट किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और 100 पॉइंट्स हमने कैच किए हैं। ये मेंटर ग्रुप है, यहाँ पे आपको चार्ट्स भी मिल जाएंगे, कंप्लीट लर्निंग मिलेगी। करना सिर्फ इतना है कि आपको अकाउंट ओपन करना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, ट्विटर का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हैं। यस बैंक में अभी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। थैंक यू।